हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक ट्रेड में आप सबको नमस्ते। फ्रेंड्स, आज इंट्राडे का और एक जबरदस्त सिंपल स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल और इफेक्टिव है। आप इसको यूज करके बहुत ही अच्छा अर्निंग इंट्राडे करके कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबका पास मेरा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा मेरा हर न्यू वीडियो का अपडेशन फ्री में पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स, आप स्टॉक का बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन, अगर आपका डीमैट अकाउंट अभी तक आप स्टॉक में ओपन नहीं किया, मेरा रिक्वेस्ट है अभी जाके आपका डीमैट अकाउंट आप स्टॉक में ओपन कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटी अभी अवेलेबल है, जैसे फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपको मिल जाएगा, ब्रोकरेज क्रेडिट आपको 500 आपको मिल जाएगा फॉर 30 डेज, और यहाँ पे आप फ्री इक्विटी डिलीवरी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पे नहीं लगेगा, और एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक में, एफएनओ में ट्रेड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, आप स्टॉक में अकाउंट ओपनिंग लिंक मेरा यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए देखता हूँ आप आज का सेटअप क्या है। फ्रेंड्स, आज का जो सेटअप है बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल का टाइम फ्रेम रखना है और यहाँ पे टोटल 3 इंडिकेटर आपको यूज करना है। चलिए आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको कौन सा इंडिकेटर आपको यूज करना है। फर्स्ट आपको स्टार्टिंग में आना है, आके आपको मूविंग एवरेज में लेना है 50 मूविंग एवरेज, सिंपल इसको डन कीजिए। सेकेंड और एक मूविंग एवरेज आपको लेना है, यहाँ पे 50 का जगह में आप 20 कीजिए और कलर आप चेंज कीजिए, इसको डन कीजिए। यहाँ पे और एक इंडिकेटर लेना है फिबोनाकी। ओके फ्रेंड्स, तो फिबोनाकी कैसे लेना है, मान लीजिए आज आपको ट्रेड करना है फॉर एग्जांपल, तो लास्ट जो ट्रेडिंग डे है उस ट्रेडिंग डे का ऊपर आपको फिबोनाकी ड्रॉ करना है। जैसे अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर से नीचे गया तो ऊपर से नीचे ड्रॉ करना है फिबोनाकी को, अगर स्टॉक का प्राइस नीचे से ऊपर गया तो उसको नीचे से ऊपर ड्रॉ करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर से आपको नीचे ड्रॉ करना है बॉडी टू बॉडी, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको फिबोनाकी आ गया। देखिए फ्रेंड्स, इसको बहुत आदमी फिबोनाकी बोलते हैं, बहुत आदमी इसको फिबोनाची बोलते हैं, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें बहुत अच्छा सेटअप आपको आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे ट्रेड फर्स्ट 15 मिनट्स का 2 कैंडल बनने के बाद ही आपको लेना है, ठीक है। तो चलिए ट्रेड कैसे लेना है, कहाँ पे लेना है। देखिए आपको ऐसा कैंडल ढूंढना है जो कैंडल ये जो 50 मूविंग एवरेज है एंड 20 मूविंग एवरेज है दोनों का नीचे जाके क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। जैसे देखिए ये जो कैंडल, इस कैंडल को देखिए, दोनों कैंडल का नीचे जाके क्लोजिंग दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो फिबोनाची है इसका रोल क्या है, इसमें देखिए कुछ लाइन होता है, जैसे देखिए 100 का लाइन है, 61.8 है इसका लाइन है, ये तो गोल्डन लाइन बोलता है बहुत आदमी, और ये 50 का है, ये 38.2 का है और 0 है, ठीक है। तो अगर आप सेल साइड में जा रहे हैं तो आपको देखना है कौन सा कैंडल 61 को क्रॉस करके ये जो 0 है, 0 का नीचे जाके आपका क्लोजिंग दे दिया। तो देखिए ये जो कैंडल है ये पहले 60 का नीचे जाके क्लोजिंग दिया, फिर ये जो कैंडल बना है देखिए बिल्कुल 0 जो लाइन है इसको क्रॉस करके बिल्कुल नीचे जाके क्लोजिंग दिया। तो ये जो कैंडल है इसको आपको टारगेट करना है, क्यों टारगेट करना है, फर्स्ट क्या किया है देखिए, ये 50 जो मूविंग एवरेज है और 20 मूविंग एवरेज है दोनों का नीचे जाके क्लोजिंग दे दिया रेड कैंडल बना के, मतलब बेरिशनेस यहाँ पे आ गया। और ये जो 0 लाइन है इसको भी क्रॉस करके देखिए, ये जो देखिए 0 लाइन है इसको क्रॉस करके नीचे जाके क्लोजिंग दे दिया, तो इसको आपको टारगेट करना है। और यहाँ पे हमेशा आपको 1:2 आपका टारगेट रखना है। तो जैसे कैसे रखना है, ये जो कैंडल है इसको सिलेक्ट किया आपने, इसका हाई क्या है 1324.85 पैसा और लो है 1313.60 पैसा, तो इसका लेंथ कितना आया 11 रुपीज 25 पैसा। तो यहाँ पे इसका डबल आपको टारगेट रखना है, मतलब 22 रुपीज 50 पैसा यहाँ पे आपको टारगेट रखना है और स्टॉप लॉस रखना है 11 रुपीज 25 पैसा, मतलब यहाँ पे टारगेट 2 रुपया और स्टॉप लॉस 1 रुपीज, मतलब प्रॉफिट आएगा तो डबल, जाएगा तो सिंगल। तो ये जो कैंडल, इस कैंडल का हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, इसका लो का नीचे, जैसे इसका लो कितना है 1313.60 पैसा, तो 60 पैसा नीचे सेल ऑर्डर आपको लगा देना है।
और जैसे देखिए ये कैंडल क्या किया, इस कैंडल का लो को ब्रेक किया और तुरंत देखिए इसी कैंडल जो है आपका टारगेट आ गया। आपका टारगेट कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे 1290 रुपीज 50 पैसा जहाँ पे आएगा वहां पे आपका टारगेट बन जाता है। देखिए ये जो कैंडल है इसमें आपका टारगेट आ गया, इसके बाद भी नीचे गया था, ठीक है। हमेशा यहाँ पे आपको टारगेट रखना है 1:2। तो ये जो सेटअप में आपको बताया इसका सक्सेस रेशियो अबव 85% है, बहुत ही अच्छा सेटअप है। तो मैं जो सेटअप आता है अगर इस तरह परफेक्ट सेटअप बनता है तो भी आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, अदर ट्रेड अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना है। और स्टॉक कौन सा लेना है, आप निफ्टी 50 का स्टॉक ले सकते हैं, आप नेक्स्ट निफ्टी 50 का स्टॉक ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का मैंने यहाँ पे स्टॉक लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप यहाँ पे निफ्टी 100 का कोई भी स्टॉक को ले सकते हैं क्योंकि ये सारे स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ समझ गया होगा, फिर भी अगर कुछ भी डाउट है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और आप व्हाट्सअप भी मुझे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जाने का पहले मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेशन, मैं डेली इंट्राडे का कॉल प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसका चार्जेस ओनली 1000 पर मंथ, और अगर आपको बैंक निफ्टी निफ्टी का फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉल चाहिए इसका चार्जेस ओनली 3000 पर मंथ, और अगर आपको BTST स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का कॉल चाहिए इसका चार्ज ओनली 2000 फॉर 3 मंथ, और अगर आपको ऑनलाइन कोर्स चाहिए इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का आपको बहुत ही हाई क्वालिटी का कोर्स मिल जाएगा बहुत ही लो कॉस्ट में। और फ्रेंड्स अगर आपका डीमैट अकाउंट अपस्टॉक में मेरा अंडर में ओपन हो जाता है तो डेली मैं आपको इंट्राडे का कॉल फ्री में दूंगा और इंट्राडे का प्राइवेट स्ट्रेटेजी आपको फ्री में मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए इस नंबर में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज इतना ही, आप सबको मेनी मेनी थैंक्स।